कैसी हो तुम दोनों? We are fine. How are you? तुम्हारे भैया वैसे के वैसे हैं. दुखों से वही दोस्ती, सुखों से वही फासले. तुम लोग बैठो, मैं बाद में आ जाऊं. नहीं भैया, आप बैठो. हम काफी देर से बैठे हुए हैं, बस अब हम निकलने ही वाले थे. तुम लोग बहुत दिनों के बाद आई हो, बैठ रहे थोड़ी देर के लिए. ऋषभ बाद में आ जाएगा. हम दोबारा आएंगे आंटी, यहाँ भी और आपके घर भी. प्रॉमिस. और वैसे भी लगता है कि ऋषभ भैया को आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है. वील सी यू अगेन. बाय बाय. टेक गेट वेल सून. थैंक यू. बाय बाय भैया. अगर तुम मेरे साथ झगड़ा करने आए हो तो वापस चले जाओ. तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सुरों में क्यों बात करती हो? क्या कभी नॉर्मली सीधे मुंह बात नहीं कर सकती मेरे साथ? क्योंकि सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है. तुमने देखा किस अंदाज से तुम इस कमरे में घुसे थे? वो बेचारी लड़कियां घबरा गई, चली गई है. अपनी माँ से मिले कोई ऐसे आता है? आता है, आता है. अगर किसी बेटे के साथ नाइंसाफी होती है तो आता है. मैंने तुम्हारे साथ कौन सी नाइंसाफी की है? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े फैसलों में क्या आप मेरी राय लेना जरूरी नहीं समझती? अरे राय तो दूर की बात है, फैसला हो जाने के बाद भी मुझे कोई इन्फॉर्म तक नहीं करता. तो महिम को चेयरमैन बनाए जाने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी अहम फैसले की बात कर रहा हूँ. मेरी इजाजत के बगैर आप लोगों ने इतना अहम फैसला ले कैसे लिया? तुम्हें मेरे हर बात में गलती ढूंढने की आदत हो गई. ये आपकी गलती है और ये बात आप जानती हैं. ये ना मेरी गलती है ना किसी और की गलती है. पिछले एजीएम की मीटिंग में तुम्हें तो अपनी सारी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया था, रिजाइन कर दिया था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से. दिस इज प्योरली योर डिसीजन. कितनी आसानी से आप मेरे फैसलों को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ लिया करती हैं. रंजना देवी, मेरा फैसला सिर्फ इतना था कि मैं कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में दखल नहीं दिया करूंगा. लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि मैं आज भी कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर हूं, इसलिए बगैर मेरी इजाजत या जानकारी के कंपनी का चेयरमैन नहीं चुना जा सकता. डू यू अंडरस्टैंड? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फैसला लेना पड़े. बात इमरजेंसी की नहीं है रंजना देवी, हालात से फायदा उठाने की है. ये करण बखूबी जानता है और शायद आपको भी सिखा चुका है. लेकिन रंजना देवी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आज भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर मेरा इतना हक बनता है कि मैं जब चाहूं करण को ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक सकता हूं. इस वक्त मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने लाडले से कह दीजिएगा कि मेरी कंपनी पर कब्जा करने की हसरतों के घोड़ों पर लगाम डालकर रखें, वरना उन्हीं घोड़ों के टापों के नीचे कुचल कर रह जाएगा. Show!